नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अब यूपी की तरह क्राइम कंट्रोल होगा। आपको बता दें कि बिहार के लिए आज का दिन काफी अहम रहा है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आज बिहार में आखिरकार बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक पास हो गया है। आपको बता दें कि जैसे ही बिहार में ये विधेयक पास हुआ, वैसे ही इसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर हो गया है। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जो विपक्ष इसको लेकर इतना डरा हुआ है। तो आज हम इसी को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि वकील साहब मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही बिहार में बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ, वैसे ही विपक्ष इसको लेकर काफी हमलावर हो गया। क्या है ऐसा इसमें? देखिए, ये तो जो बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 था, उसी को सुपरसीड करके 43 साल के बाद एक नया अधिनियम बनाया गया। क्योंकि 43 साल में समाज में बहुत परिवर्तन हो चुका, तकनीकी तो समझिए लगभग एकदम रिवॉल्यूशनरी स्टेप सब आ चुका है। तो वो सब क्राइम का कंट्रोल करने का उपाय पुलिस के पास नहीं था पहले। अब देखिए, साइबर क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है, लोग दूसरे के फ़ोन पर कुछ मैसेज कर देता है, किसी का फेसबुक हम लोग का भी हाईजैक हुआ है, किसी के नंबर्स कोई कॉल करते रहता है, कोई किसी का शॉप है बाहर से GST नंबर सबको लगाना लॉ में अनिवार्य है, उसका फोटो खींच कर उसके नाम से कर देता है क्राइम। तो इस ढंग की क्राइम बहुत हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को इसमें समावेशित किया गया है। देखिए, किसी भी लॉ का प्रयोजन होता है सुव्यवस्था, कि जो शहर में जो लॉ अबाइडिंग पीपुल हैं, जो कानून को मानने वाले लोग हैं, वो अमन चैन से रहें, उनको उसमें दिक्कत ना हो, और जो अपराधी और असामाजिक तत्व हैं वो उनको नियंत्रण में किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि इस लॉ में जो सारा पावर दिया गया है, वो सारा पावर 90% लगभग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हाथ में। इसके पहले आपको एक दो बात छोटी सी समझा देते हैं कि मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं। अच्छा। एक मजिस्ट्रेट होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट का ही जो ऊपर के मजिस्ट्रेट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बहुत सारे लोग अधिकतर लोग समझते दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसलिए होते हैं कि जो भू राजस्व होता है, जो सब जमीन का जो टैक्स वसूलते हैं, उनको कलेक्टर कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो दंडाधिकारी होते हैं, जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। जहाँ कमिश्नरी नहीं है वहाँ केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। अगर यह सवाल किया जाए कि क्या हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उसका जवाब होगा ना। अच्छा। लेकिन अगर यह सवाल किया जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उसका जवाब होगा हाँ। अच्छा। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का CRPC में सेक्शन 20 में प्रावधान है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होगा। समाज में जो शांति व्यवस्था है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, वहाँ उसमें रोल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होता है। जब CRPC 1973 में बना और अपने संविधान के अनुच्छेद 50 में 50 में यह सेपरेशन ऑफ पावर हुआ कि जुडिशियल को कौन पावर होगा और कार्यपालिका को क्या पावर। आप तो जानते हैं सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या वो करेंगे और क्या वो नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं, इनके ऊपर भी वही हालत है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मोटा मोटी शब्द मगर लेमेंस भाषा में समझाया जाए तो अपराध होने के पहले जो करना है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करना है। इस कानून में अगर कुछ और भी लिखा होगा उसकी सीमा वहीं तक होगी, वो उस जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार नहीं कर सकते। कहीं कहीं मैंने देखा है उस ढंग की भी बातें इसमें आई हैं, इसलिए मैंने ये बात कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम है कि जो क्राइम अपराध होता है तो अपराध होने के पहले जो कुछ करना है व्यवस्था ठीक करने के लिए, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, पीस, ट्रैंक्विलिटी के लिए, देखते हैं 144 कर्फ्यू, ये सब लगता है ना, उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर अपराध हो गया उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम शुरू होता है। अब देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं चीफ मिनिस्टर के अंदर, जी, जो एग्जीक्यूटिव है उनके अंदर एग्जीक्यूटिव हेड वही हैं या गवर्नर साहब हैं।
लेकिन जो जुडिशियल जितने मजिस्ट्रेट जो भी कोर्ट हैं, कोर्ट हैं ट्राइब्यूनल, वो सारे हाई कोर्ट के अंदर आ जाते हैं। जितने कोर्ट हैं सब, जितने मजिस्ट्रेट हैं सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे हाई कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का पावर डिसाइडेड है। सेक्शन 6 CRPC में स्पष्ट दिया हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे। अब इसमें एक दो पावर इसमें दिया गया है जो पहले भी, देखिए 70% तो कानून वही है जो पहले, जो बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट 1981 था, सारा वही सब कानून है, लगभग 70% वही कानून है। क्या कुछ मुख्य है इसमें? जो वो था कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 16 और 17 के सारे अपराध आते हैं, वो तो पहले भी था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आज ही पहले आया है। दो तीन बातें आई हैं, जैसे कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, फपतियां कसते हैं लोग, ये रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे क्राइम ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जा रहा, दिन ब दिन देख रहे हैं उसको, लड़के मोटरसाइकिल पर आप चलिए तो मोबाइल छीन लेंगे, या साइबर क्राइम के पॉक्सो एक्ट को इसमें लाया गया, बच्चों के साथ जो अपराध होता है, बच्चे की बिक्री होती है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जो कहा गया, इन सब बातों को भी इस कानून में लाया गया है। और एक जो नई बात की गई वो पहले वाले कानून में था कि जिसको जिला बदल कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर होगा कि अगर ये आदमी हमारे जिला में रहता है तो जिला के शांति अमन चैन के इससे खतरा है, तो 6 महीना के लिए उनको जिला बदल कर सकता है। अच्छा, जिला बदल सकते जिला, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि ऑर्डर कर देंगे और जिला बदल हो जाएगा, सो नहीं है। वो 15 दिनों के अंदर समय है, उसका अपील वो कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, अपील करेंगे किसी वकील के माध्यम से भी अपील कर सकते हैं, अपनी बात को रखेंगे, और अगर उस बात में इसी बात नहीं होगी कि उस बात को लगेगा कि नहीं नहीं किया सकता है, फिर वो नहीं करेंगे, और अगर होगा कि नहीं करना है तो वो कर देंगे, उसके बाद आयुक्त के पास अपील है, वो भी अपील है। और इन अपील के बावजूद भी सिविल कोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा ही रहेगा, ये सब बातें भी हैं। जिला जो बिहार पुलिस मैनुअल जिसको हस्तक यहाँ लिखा गया है 1978, उसको भी समावेशित किया गया है इसमें, जिसको बिहार में गुंडा एक्ट भी हम लोग कहते थे, उस चीज़ को भी किया गया, जिसको बिहार पुलिस मैनुअल में भी लिखा इसको रखा गया है। इन बाजी जो अपराध का सिंडिकेट बना के काम करते हैं, और स्पेशली जो कि इसमें दो तीन बातों को जो रखा गया है कि जो बालू वाले में बालाक पुलिस के बालू माफिया क्रियाशीलता के बावजूद भी बालू का जो खनन है वो रुक नहीं रहा है, और साथ साथ जो ये प्रोहिबिशन लॉ आया है बिहार एक्साइज का, ये इस प्रोहिबिशन लॉ में भी, अब आज ही मैं कहीं न्यूज़ देख रहा था, हम तो न्यूज़ और अखबार कम ही देख पाते हैं हम लोग, सुबह 5 बजे से तो लगे हुए हैं इसी में, आप तो आए हैं तो 2 मिनट पहले इसको देखे हैं, तो हम लोग को मौका नहीं मिल पाता, लेकिन कहीं मैंने देखा था आज कि गोपालगंज में कहीं आलू के खेत में हल आलू को कोड़ा जा रहा था तो दारू की बोतलें निकल रही थी, ऐसा आज तक हम लोगों ने नहीं सुना। इसका मतलब यही है कि दारू की खपत पहले से अधिक हो रही है बिहार में, जो पहले थी खपत, कभी आलू के खेत में दारू की बोतल नहीं सुने थे आज तक हम लोग। तो इस ढंग की बातें जो हो रही हैं, लोगों को क्राइम कर रहे हैं, हट रहे हैं, छूट रहे हैं, लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, कानून जितना डिटरेंट होगा, जितना भयावह होगा, अपराध भी उतना ही होगा। केवल कानून बनाने से अपराध रुकता तब तो जनरल डायर का कानून बना दीजिए, सब अपराध रुक जाएगा, नहीं रुकेगा उससे अपराध। कानून रुकेगा व्यवस्था से, कानून रुकेगा प्रबंधन से, कानून के उस अपराध के मूल में जाना होगा कि कहाँ मूल है इसका पड़ा हुआ, किस कारण से यह अपराध हो रहा है। कभी सुने कि पढ़े लिखे लोग जिनको कोई रोजगार है, जिनको कोई काम है, जिनका कोई जीविका है, वो कभी ऐसे कार्य में कहीं लिप्त है, वो नहीं लिप्त नहीं होते। ये जो लावारिस लोग होते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं, जिनके पास जिनके जीवन का कोई महत्व नहीं है, वो नार्कोटिक्स में, दारू में, किस में अपना वो करते, अपने जीवन का भी उनको डर भय नहीं है, जिनको अपने जीवन का ही डर भय नहीं, उनको ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कानून कितना बिगाड़ पाएगा ये कहना मुश्किल है। खान वाले चीज को भी लिया गया, मैंने आपको बता दिया। आईटी एक्ट में भी बहुत से, जो आईटी एक्ट में जो अभी फेसबुक पर जो किसी का हैक कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता है, अकाउंट से पैसा उड़ा देता है, उसको लेकर भी काफी उसको ले, हाँ वो जो चैप्टर जो आईटी एक्ट है 2000 का भारत सरकार का, उसका जो चैप्टर 11 है, उसमें जितने भी उसमें अपराध हैं उन अपराधों को भी लिया गया है। अपराध की परिभाषा वही है जो परिभाषा CRPC में दी हुई है। अपराध उसी को कहते हैं कि अगर कोई काम जो कानून के विरुद्ध आप करते हैं, जो कानून में लिखा हुआ है तब भी उसके विरुद्ध करते हैं, उसको अपराध कहते हैं, या करना या नहीं करना भी अपराध है। जिस कानून कहता है कि ये होता है तो आपको ये करना चाहिए, और वो भी अगर आप नहीं करते हैं, जिसको कमीशन एंड ओमिशन कहते हैं, तो वह भी अपराध होता है। और सामाजिक तत्वों को भी डिफाइन किया गया है इसमें,
एक दो बात और भी कह दी गई है कि जो सीआरपीसी की धारा 71-89 वो भी इनके कहीं न कहीं इनके इस परव्यू में ला दिया गया है कि उस पर भी ये काज करेंगे। सीआरपीसी 70-89 तक दफा वही है, वारंट इशू करना या प्रोक्लेमेशन इसको फरार डिक्लेयर करना, कुड़की करना जी, सीजर करना, ये सब भी दिया कि इसमें वो काम करेंगे। और इसमें जिला दंडाधिकारी का अपराध जिला दंडाधिकारी का अधिकार वही होगा जो न्यायालय का है। ये मेरे समझ के बाहर की बात है कि ये कैसे इसमें हो सकता है, ये कहीं कहीं कंट्राडिक्टरी है जो अपने यहाँ सेट प्रोविजन ऑफ लॉ है जी। दूसरी बात यह है कि अपील का प्रोविजन है तो देखिए अपने यहाँ क्या हो रहा है अभी, अब आपको थोड़ा सा हम लोग निष्पक्ष होकर बात करें। बिहार प्रोहिबिशन लॉ है, उसमें अभी एक केस हमारे पास भी आया है कि कोई बॉम्बे का ट्रक है और 40 आज पकड़ाया, 45 दिन में उसका ऑक्शन भी हो गया, 25 लाख का ट्रक 2 लाख में बिक गया जी। क्या कहीं से आपको स्कैम नज़र नहीं आता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर बच्चे मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है 3 साल तक और 25 लाख का ट्रक 45 दिन में कैसे बिक गया? बिल्कुल। और बिका तो उसमें केस क्या लिखा हुआ है? सरकार बनाम अज्ञात, सरकार बनाम अज्ञात। अब बताइए वो भी उस FIR में लिखते हैं कि गाड़ी के सारे विधिवत कागजात हमने जब्त किए। विधिवत कागजात क्या होता है? ओनरशिप की बुक, बिल्कुल, इंश्योरेंस का पेपर, पर्यावरण का क्लियरेंस, पोल्यूशन कंट्रोल का जी। और ये सब बात है। ड्राइवर ऑन स्पॉट आपको सीज हुआ है तो आपको मालिक का नाम नहीं पता लगा उसमें, और मालिक का नाम पता लगा तो यह नहीं पता लगा कौन मालिक है, कहाँ गाड़ी वाला है इसका। और एक तरफ आप जो कैमरा लगाते हैं ट्रैफिक का, उस कैमरा से आप गाड़ी का नंबर देख करके आप फाइन करते हैं, उसके मोबाइल पर जाता है फाइन। और एक तरफ कहते हैं कि गाड़ी आपके ट्रक आपके सीज में है और आप कहते हैं हमको गाड़ी का मालिक का नाम नहीं पता, ये मखौल नहीं है तो क्या है? ऊपर से आप कहते हैं हमने अखबार में निकाला एक शॉर्ट नोटिस, गाड़ी वाला है बम्बई का, पढ़ता है मराठी, अखबार निकालते हैं बिहार का, क्या मतलब है? तो फिर रूल भवन जो NP जिसमें जिस ट्रक में लिखा हुआ है जिसको नेशनल परमिट है उस ट्रक को बिहार में नहीं पकड़ना चाहिए तब? जब अखबार आप बिहार के अखबार में निकालते हैं तो कौन सा कानून का पालन हुआ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव के यहाँ जो अपील का प्रोविजन रखा गया है उसमें रिवीजन है, अपील है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक अपील होता है। स्तर तो ये है कि जब मान लीजिए निचले पदाधिकारी को गलती हो गई तो उसके ऊपर पदाधिकारी मान लीजिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक बात चली जाती है तो उनको अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, वो एक बहुत बड़ा लंबा जीवन जी करके प्रशासनिक जीवन जी करते हैं, उन बातों को भी देखेंगे समझेंगे, कानून के बहुत सारे पहलू को समझेंगे कि भाई इसमें और कहाँ कहाँ हमारे आदमी लूप होल रह गया। लेकिन ऐसा नहीं हम लोग होते देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नीचे से कोई आदमी कोई अगर कौ को खौ भी लिख दिया है तो रिपीट होता हुआ चला गया ऊपर तक और कन्फर्म हो जाता है। तो एक लगता है कि फॉर्मेलिटी बस केवल रह गया अपील ब्रश से, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो वो सब थोड़ा हम लोगों को जिस ढंग हम लोग कानून के सब देख रहे हैं उसमें कोई बहुत हमको दम नज़र नहीं आता कि अपील का प्रोविजन तो दिया गया है, जब तक जुडिशियल सिस्टम नहीं आएगा तब तक उसमें न्याय हो जाए इस बात की संभावना थोड़ी कम लगती है। ठीक है वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो पुराना कानून था और अब जो ये नया कानून आया है दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? पुराना कानून किसी जिला बदर अभी तक नहीं किया गया, राज्य का बदर नहीं किया गया जी। पुराना कानून में 2 महीना मैक्सिमम 6 महीना भी नहीं था, इस बार बढ़ा के 2 साल कर दिया गया है। 2 साल 6 महीना के बाद बढ़ाते बढ़ाते 2 साल भी कर सकते हैं कि 2 साल तक अपने राज्य से या जिला से बाहर आप रहें। ठीक है, पटना से बाहर करिएगा तो जाकर वैशाली में हाजीपुर में जाकर रह जाएगा, वो अलग बात है। जिला बदर करने का वो सिस्टम हो या बीच में फिर वो उसका अपराध कम लगता है तो अप्लाई करेगा फिर वापस भी आ सकता है। ये सब चीज़ वो लिखे हैं, जो उद्देश्य है उद्देश्य अमन चैन कायम हो और सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हो, उस उद्देश्य तो बड़े पायस हैं। और कुछ अंतर? उसमें बहुत अंतर नहीं है, जो लोग घबरा रहे हैं बेकार का घबरा रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हमें सारा पावर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम केवल प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, समाज में शांति रहे, शांति व्यवस्था उल्लंघन ये शांति व्यवस्था कायम रहे, और जो लोग अपनी बानी से या ऐसा कोई बात बोलते हैं जिससे कि कहीं बलवा हो जाता है, राइट हो जाता है, सामाजिक अशांति, भड़काऊ भाषण, तू तो पहले 153A में आपके यहाँ रखा हुआ है, CRPC में, IPC में, तो बहुत सारे सेक्शन तो अपराध में पहले से पड़े हुए हैं। थोड़ा दायरा इसमें बढ़ाया गया है जिसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में चैलेंज न हो जाए, ये कानून हाईकोर्ट में चैलेंज हो सकता है, चैलेंज होने की संभावना
भावना मुझको इसमें लग रही है, इसलिए अच्छा, ऐसा क्यों वकील साहब, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं 70 से लेकर 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 तक दिया गया, ये धारा स्कूटी मास्टर के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, नहीं आती। धारा जुडिशियल, मैंने आपको स्पष्ट समझाया कि क्राइम होने के पहले तक की जो बात है वो स्कूटी मजिस्ट्रेट देखेंगे, क्राइम जब हो गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर है, ये संविधान के अनुच्छेद 50 में स्पष्ट लिखा हुआ है। हमें नहीं लगता है कोई भी देश का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का ये कह चुका है कि कभी भी आप इस जुडिशियल एक्टिविटी में कहीं किसी कानून को बना करके उसमें घुसपैठिए का काम ना करें, उसके कानून कहीं असर पर ना करें। अच्छा, क्या वाकई इसमें ये भी चीज लिखी हुई है वकील साहब कि अब कोर्ट से वारंट नहीं लेना पड़ेगा डीएम साहब को? हाँ, यह भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है कि कोर्ट से वारंट, मतलब अल्टीमेट पावर। और यह भी लिखा हुआ है कि सीआरपीसी में जो बात कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं लिखा हुआ है उसको भी इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में ले लिया गया है। तो खैर वो बातें तो कुछ इनको स्टेट को पावर होती है लेने का, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ले सकते हैं, लेकिन वारंट इशू करने का पावर, मतलब आप कोर्ट से अनुमति नहीं, वारंट इशू जिसे नॉन कॉग्निजेबल, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई आदमी करता है तो बिना वारंट के भी अरेस्ट होता है। ऐसा डाउट होता कि आदमी 10 आदमी का गैंग और डकैती करने कहीं जा रहा है, पुलिस को लगेगा तो इसे भी अरेस्ट हो सकता है। लेकिन लगने के पीछे का लगना व्यक्तिगत लगना नहीं है, उसको कॉरोबोरेट करना पड़ेगा उस एविडेंस को, फैक्ट से, कि क्यों आपको लगा। इन बातों को तो लिखा गया है, और अगर इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस रास्ते से अगर चाहा जा रहा है कि कोर्ट के पावर को हम असर्प कर लें तो वो संभव नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास उतनी ही शक्ति होगी जितनी शक्ति भारत का संविधान उनको अनुमति देता है। ठीक है, हम आपसे ये भी जानना, जो भी होगा उसको इसमें से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस विधेयक की कॉपी आपके हाथ में है, इसको आपने पूरी तरह से पढ़ भी लिया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि विपक्ष इसको लेकर काफी हंगामा कर रहा है, क्या ये विधेयक लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकता है वकील साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके लालू परिवार के मुश्किलों के हिसाब से कुछ भी नहीं है और उस पर कुछ भी लागू नहीं होता। ये देखिए, अगर इसका जो उद्देश्य इन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, उद्देश्य प्राय शुरू में लिखा रहता है, सबसे अंत में लिखा हुआ। तो विपक्ष इसको लेकर इतना डरा हुआ क्यों है, क्यों कह रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक? जब भी कोई कानून बनता है तो उसका दुरुपयोग का लोगों को लगता है, दुरुपयोग होगा तो कोर्ट है ना यहाँ पर, भाई यहाँ पटना में उच्च न्यायालय है, पटना में सिविल कोर्ट है, वो देखेगी, उनके पास सब पावर है, उनके पावर को थोड़े इसमें कहीं कर्टेल किया गया है। और यहाँ जो बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड में पहले भी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट जस्टिस रैंक के लोग रहते थे, सरकारी पदाधिकारी भी रहते हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा कि स्कूटिव लोगों को जो रखा जाता है जुडिशियल वर्क में, उनका काम थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्हिमजिकल होता है, लेकिन जुडिशियल लोगों के पास क्या होता है, हम लोग जजेस के पास जाते हैं, जज कुछ भी होंगे दोनों पक्षों की बात पूरी तन्मयता से सुनते हैं और अपने किसी जज, वो जज बेईमान जज है जो अपने प्रिजुडिस भावना से चलते हैं। अगर आप दोनों पर आप अपना माइंड खाली रख करके जाइए, बहुत पहले के केस के बारे में याद बाहम के बात है, एक जज साहब ने कहा कि इस केस के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, तो एक बूढ़े वकील साहब ने कहा तब तो आपको इधर आ जाना चाहिए, आप बेकार बीच में बैठे हुए। जज का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको जो सामने पेपर है, जो सामने बहस चल रहा है उसी को देख करके बोलना है, और उसके पहले जो प्रेसिडेंस है सुप्रीम कोर्ट का या आपके हायर कोर्ट का जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग जज अनुसार चलना है। तो जज के पास सीमा है, जज के पास जब हम लोग जाते हैं, चाहे हाईकोर्ट जस्टिस हो, चीफ जस्टिस हो, जो भी आप बात कहेंगे सबको बड़ी तन्मयता से सुनते हैं, स्थिर सुनेंगे, और उन बातों को सोच के कई एक बार शुरू में कुछ बोलेंगे, बाद में सुनते सुनते अपनी बात निर्णय को बदलते हैं, उसी को जज कहते हैं, उसी को जज कहते हैं। वकील साहब एक आखिरी सवाल, एग्जीक्यूटिव लोग का क्या है, अपना व्यू बना के बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक आखिरी सवाल जी, जो सेपरेशन ऑफ पावर में है, न्यायालय एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं आता, तो अगर ये समूचे चले जाए एग्जीक्यूटिव के अंदर चला जाएगा तब कहीं ना कहीं जो है वो अतिक्रमण होगा उसका न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, तो वो क्षेत्राधिकार जहां जहां अतिक्रमण होगा वहां वहां इनको रोक दिया जाएगा। ठीक है ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है वकील साहब कि इसको आपने पढ़ लिया है, हम एक्सपर्ट टिप्पणी आपकी चाहते हैं, क्या लगता है आपको इस कानून से क्या बिहार में क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? देखिए इसमें जो उद्देश्य एवं क्राइम कंट्रोल होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, इसलिए कि दारू कंट्रोल तो हम देख रहे हैं, इतना दमदार है ये कानून दमदार है, लेकिन मैंने साफ कहा डिटरेंट कानून से व्यवस्था नहीं होती, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। अभी हाल ही में मैंने देखा था कहीं वो शिक्षा विभाग में
प्रधान सचिव कहीं गए थे, उन्होंने बीपीएससी कंप्लीट किया हुआ शिक्षक से पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो कहा कि जाकिर हुसैन है। बोला बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है, बोला राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर हैं, और बीपीएससी करके वो आई हुई। तो ऐसे शिक्षक को 15 घंटा बैठा के ही अब क्या करिएगा, वो क्या पढ़ाएंगी वो जी। तो सबसे पहले मैंने कई बार कहा कि उनके गुणवत्ता को देखिए, कानून तो बहुत ही अच्छा है, जो उसका पर्पस है, एम्बिशन है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही पायस है। अगर हो जाए तो शहर अच्छा, अच्छे लोगों के रहने के लायक शहर ये हो जाएगा, क्योंकि शहरीकरण तो हुआ है ना, क्राइम का प्रकार बढ़ा है। लेकिन हम इस बात के कभी पक्षधर नहीं होंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हाथ में अनियंत्रित कानून दिया जाए। कानून न्यायालय के हाथ में ही रहना चाहिए, कानून का देखना, कानून की खेती, कानून की देखभाली न्यायालय ही देखे तो अच्छी बात है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रिवेंशन ऑफ क्राइम देखें, क्राइम होने के बाद का जो काम है वो जुडिशियरी देखे, जुडिशियरी देखे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने इस विधेयक पर चर्चा की है और आपको बताया है कि क्या कुछ खास है इसमें। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।